उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नैनीताल जिले के भवाली, नैनीताल, हल्द्वानी और कालाडूंगी में लगाए जा रहे फूड वैनों के मामलों में हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ जिला प्रशासन से बिना किसी लाइसेंस के फूड वैन लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही फूड वैन के आसपास किए गए अवैध अतिक्रमण को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश दिए हैं। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। जो फूड वैन के मामले में जो माननीय न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया था, उसमें आज की तिथि निर्धारित थी। तो जिसमें आज माननीय न्यायालय ने जो कैंट के पास फूड वैन लगी है, जिसने फूड वैन के नाम पे पीछे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर रखा है, उस पर संज्ञान लिया और यह प्रशासन से यह कहा है कि उसका आप निरीक्षण करिए और उसने जो गलत कर रखा है उसको हटाइए तुरंत। और उसके अलावा नैनीताल नगर के आसपास जो भी फूड वैन संचालित हो रही है बिना लाइसेंस के, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।